पुस्तक का नाम आध्यात्मिक काम विज्ञान, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 14। अहम बिंदु रजा शक्तिर वयोर मेलनम यदा योगिनाम साधनावस्था भवे दिव्यम वपुस्तदा शिव संहिता। शिव रूपी बिंदु शक्ति रूपी रज इन दोनों का मिलन होने से योग साधक को दिव्यता प्राप्त होती है। ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप प्रकृति और अप्रत्यक्ष भाग पुरुष है। दोनों के मिलने से ही द्वैत का अद्वैत में विलय होता है। शरीरगत दो चेतन धाराएं रई और प्राण कहलाती हैं। इनके मिलन संयोग से सामान्य प्राणियों को उस विषयानंद की प्राप्ति होती है जिसे प्रत्यक्ष जगत की सर्वोपरि सुखद अनुभूति कहा जाता है। ऋण और धन विद्युत घटकों के मिलन से चिंगारियां निकलती और शक्ति धारा बहती हैं। पूरक घटकों की दूरी समाप्त होने पर सरसता और सशक्तता की अनुभूति प्रायः होती रहती है। चेतना के उच्च स्तरीय घटक मूलाधार और सहस्रार के रूप में विलक पड़े रहे हैं। तभी तक अंधकार की नीरसता की गतिहीनता की स्थिति रहेगी। मिलन का प्रतिफल संपदाओं और विभूतियों के रिद्धि और सिद्धि के रूप में सहज ही देखा जा सकता है। इन उपलब्धियों की अनुभूतियों में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और उसकी संवेदना ब्रह्मानंद के रूप में होती है। इस आनंद को विषयानंद से असंख्य गुने उच्च स्तर का माना गया है। शिव पार्वती विवाह का प्रतिफल दो पुत्रों के रूप में उपस्थित हुआ था। एक का नाम गणेश, दूसरे का नाम कार्तिकेय। गणेश को प्रज्ञा का देवता माना गया है और स्कंद को शक्ति का। दुर्दांत दस्यु आसुरों को निरस्त करने के लिए कार्तिक का अवतरण हुआ था। उनके इस पराक्रम से संत्रस्त देव समाज का परित्राण किया। गणेश ने मांसपिंड मनुष्य को सदज्ञान अनुदान देकर उसे सृष्टि का मुकुटमणि बनाया। दोनों ब्रह्म कुमार शिव शक्ति के समन्वय के प्रतिफल हैं। शक्ति कुंडलिनी शिव सहस्त्रा दोनों का संयोग कुंडलिनी जागरण कहलाता है। ये पुण्य प्रक्रिया संपन्न होने पर अतरंग रतंभरा प्रज्ञा से और बहिरंग प्रखरता से भर जाता है। प्रगति के पथ पर इन्हीं दो चरणों के सहारे जीवन यात्रा पूरी होती है और चरम लक्ष्य की पूर्ति संभव बनती है। गणेश जन्म के समय शिवजी ने उनका परिचय पार्वती को कराया और उन्हें उन्हीं हाथों में सौंप दिया। इसका विवरण वामन पुराण में इस प्रकार आया है। यस्माज्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः एष विद्यनस्सहस्राणि देवादीनां हश्यनि हश्यति पूज्यस्यन्ति देवाश्च देवी लोकाश्च चराचरः इत्येत मुमुक्ताः देवास्तु दत्तवास्तु नयम् सहि। वामन पुराण। इस ज्ञानपुत्र का नाम विनायक गणेशी होगा। ये देवों के सहस्रों विघ्नों का हनन करेगा। हे देवी, सब चर अचर लोक और देवगण इसकी पूजा करेंगे। इतना कहकर शिव ने वह पुत्र देवी को दे दिया था। स्कंदो अथ वदनादेहय शुभ्रात षड वंदनो वरिहा निश्चक्रामोदो बालो रोग शोक विनाशनः। पदम पुराण। तब छह मुख वाले कुमार स्कंद उत्पन्न हुए। वे उद्भूत और शोक संताप विनाशक थे। आदि शंकराचार्य कृत सौंदर्य लहरी में षट चक्रों एवं सातवें सहस्रार का वर्णन है और उस परिकर को कुंडलिनी क्षेत्र बताया है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्रों को पांच तत्वों का प्रतीक माना जाता है और आज्ञा चक्र तथा सहस्रार को ब्रह्म चेतना की प्रतिनिधि बताया है। पांच तत्वों का वेधन करने पर किस प्रकार कुंडलिनी शक्ति की पहुंच ब्रह्म लोक तक होती है और परब्रह्म के साथ विहार करती है, इसका वर्णन छठवें श्लोक में इस प्रकार है। मही मूलाधारे कमप मणिपूरम हुतबह स्थितम स्वाधिष्ठाने हृदय मरुतामाकाशमपुरी मनोऽपि भूमध्ये सकलमपि वित्वा कुलपथम सहस्रारे पथ्ये सहस्रसी पत्या विहरसी। अर्थात हे कुंडलिनी, तुम मूलाधार में पृथ्वी को, स्वाधिष्ठान में अग्नि को, मणिपुर में जल को, अनाहत में वायु को, विशुद्ध में आकाश को भेदन करती हुई आज्ञा चक्र में मन को प्रकाश देती हो।
तत्पुरांत सहस्रा कमल में परब्रह्म के साथ विहार करती हो। आवाप्य स्वाम भूमिं भुजगनैभं वदिष्ट वलयं स्वमालात्यामानं कृत्वा स्वपिशी कुलकुंडे कुहूरणी सौंद्रलहरी दस। सर्पणी की तरह कुंडली मारकर तुम्हें मूलाधार चक्र के कुल कुंड में शयन करती हो। अविद्या नामंतस्तिस मरी महिरोदत्तिपन करी जड़ानाम चैतन्य स्तवक मकरंद स्त्रीशरा रुद्रणाम चिंता मणिपुणिनिका जन्य जलधौ निमग्नानाम दृष्ट सुरसी कुबरास्य भवति सौंद्रलहरी। अर्थात अज्ञानियों के अंधकार का नाश करने के लिए तुम सूर्य रूप को हो, तुम ही बुद्धिहीनों में चैतन्यता का अमृत बहाने वाली निर्झरणी हो, तुम दरिद्री के लिए चिंतामणि माला और भवसागर में डूबने वालों को का सहारा देने वाली नाव हो, दुष्टों के संहार करने में तुम बारह भगवान के पहने दांतों जैसी हो। सौंदर्य लहरी के 36 से 41वें श्लोकों में षट चक्रों के जागरण और कुंडलिनी उत्थान की प्रतिक्रिया का वर्णन है। इन श्लोकों में कहा गया है कि मूलाधार में विश्व वैभव, स्वाधिष्ठान में शांति शीतलता, मणिपुर में अमृत वर्षा, अनाहत में रतंभरा प्रज्ञा और 18 विद्या विशुद्ध में आनंददायिनी दिव्य ज्योति की सिद्धियां भरी हैं। आज्ञा चक्र में शिवत्व और सहस्रार में महामिलन का संकेत है। इन उपलब्धियों का समन्वय इतना महान है जिसे ऋषित्व एवं देवत्व भी कहा जा सकता है। अपूर्णता से आगे चलकर पूर्णता प्राप्त कर सकना इसी मार्ग का आश्रय लेने से संभव होने की बात इन श्लोकों में की गई है। कुंडलिनी महाशक्ति के अनुग्रह से स्वयं आदि शंकराचार्य किस प्रकार सामान्य द्रविण बालक के महामानव बने, इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने स्वानुभूति इस प्रकार व्यक्त की है। तवस्त्वन्नयम मन्यह धरणी धरकन्य हृदयतः पथा पाराबारह परिवरहति सारसत्वत्मिव दयावत्यादंतम दविद शिशुरास्वाध्य तव यत् कवीनाम प्राणाजमजनी कमनीह कवियता। सौंदर्य लहरी, तेरे स्तनों से बहने वाले ज्ञानामृत पयपान करके यह द्रविण शिशु शंकराचार्य प्राण कवियों जैसी कमनीय काव्य रचना में समर्थ हो गया।